मेरे कैरेक्टर का नाम ऋषभ है, और ऋषभ बड़ा ही स्टबर्न है, सिद्धी है, पॉजेसिव है अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, और दूसरों की गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ही फ्लर्टी है, बहुत फ्लर्ट करता हूँ उनके साथ। तो ऑल इन ऑल एक शॉर्ट एंड स्वीट डिस्क्रिप्शन ये होगा कि अपनी गर्लफ्रेंड से तो बहुत प्यार करता है, बट दूसरों की गर्लफ्रेंड से भी बराबर प्यार करता है। एंड कितना मुश्किल है आपके लिए ये कैरेक्टर करना? एग्जैक्टली, शिवा और ऋषभ बिल्कुल ही अपोजिट हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। और ऋषभ जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि लड़कियों को लेके बहुत ही उनके आगे पीछे घूमने वाला है, और सुंदर लड़कियाँ को काफ़ी से ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे कि आप फिल्म में देखेंगे हमारे बीच में, वहाँ पे हम गोवा में भी जाते हैं तो वो अपने ग्रुप में लड़कियों के ऊपर लाइन मारता रहता है जबकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ होती है। तो ऑल एंड ऑल कैरेक्टर करने के लिए काफ़ी हद तक काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे, बिकॉज एक डेढ़ महीना दो महीना पहले मेरे पास स्क्रिप्ट आ गई थी, एंड थोड़ा मैं अपने आप को, जब मुझे कुछ प्रिपेयर करना होता है किसी कैरेक्टर के लिए, देन मैं अपने आप को आइसोलेट कर लेता हूँ कि भाई अभी ना आई हैव टू बिहेव लाइक ऋषभ ओनली। तो उससे जब हम सेट्स पर जाते हैं तो दैट्स लाइक बिट ईजी टू डू, काफ़ी टाइम पहले ही शुरू कर दिए थे उसके प्रिपरेशन। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका फिल्म का, एंड फिल्म में पवन सर भी हैं, सो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसी मेमोरीज रही? देखिए, देयर वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, लाइक फ्रॉम माय अर्ली चाइल्डहुड डेज मुझे हमेशा ही ऐसा लगता था कि भाई मुझे एक्टर बनना है, और जैसे जहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, आई डिड अ लॉट ऑफ थिएटर ऑल्सो, तो पवन सर भी थिएटर बैकग्राउंड से हैं, तो उनसे काफ़ी इस चीज़ को लेकर काफ़ी हमारी बातचीत होती थी आपस में, और उनको देखना और ऑब्जर्व करना, उनसे सीखना हमेशा मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैंने उनकी काफ़ी फिल्में पहले देखी हैं, तो जिससे कि उनका जो तरीका है एक्टिंग करने का मुझे काफ़ी पसंद था। और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि जिस दिन हम लैंड करे गोवा, वहाँ पे ऑलरेडी पवन सर का शूट चल रहा था, तो हम लोग 4-5 दिन बाद में गए थे, तो सबसे पहले मैंने जो काम किया, अपने बैग्स रखे और डायरेक्ट मैं शॉट पे गया कि पवन सर कैसे काम करते हैं और उनसे कितना भी मैं कैसे सीख सकता हूँ, वो हमेशा से मेरे दिमाग में था। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, पवन सर के साथ सीन्स कम है हमारे, लाइक मेरे सीन कम है, और लेकिन जब भी उनका शॉट होता था मैं कभी मिस नहीं करता था, मैं हमेशा लाइक अभिषेक सर को मैंने ये भी बोला था कि सर जब मेरा शूट खत्म हो जाएगा तो आई वुड लव टू असिस्ट यू, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न एवरीथिंग बिहाइंड द कैमरा एज वेल, जिससे कि एक एक्टर को बहुत ईजी हो जाता है आगे परफॉर्म करना, जब उसे पता होता है कि उसका डायरेक्टर उनसे क्या चाहता है। तो मैं ऑलवेज, मतलब हमेशा जिस दिन मेरा शूट नहीं होता था मैं तब भी ऑन सेट्स रहता था पूरे टाइम, और मैं पूरा ऑब्जर्व करता रहता था कि भाई हमारे डायरेक्टर के दिमाग में क्या, डायरेक्टर का क्या विजन है, किस तरफ वो मूवी को लेकर जा रहे हैं। और जब पवन सर वहाँ होते थे और जब शॉट होता था तो उनकी एक्टिंग देखने से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता था। वीकेंड की जर्नी किस तरह रही आपकी? वीकेंड की जर्नी, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग से ही हम सब लोग साथ में रिहर्स करते थे, जेलिंग हमारी बहुत अच्छी हो गई थी रिहर्सल्स में ही, और वो आपको जब आप मूवी देखेंगे तो आपको ईजिली पता लग जाएगा कि एक ग्रुप की केमिस्ट्री कैसे होनी चाहिए, एक कौन कौन बंदा अपना एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहा है, जिससे कि आपको ये नहीं लगेगा दैट वी आर एक्टिंग इन द डेट मूवी, बिकॉज वी आर बिहेविंग लाइक अ ग्रुप एंड ऑल, तो जिससे मतलब आपको ये नहीं लगे कि भाई ये लोग एक्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी ही हमारे अंदर आ चुका था वाइल डूइंग रिहर्सल्स एंड ऑल, और इट्स बीन लाइक 10 months, मोर देन 10 months दैट या जो हमने अभी हमारा शूट फिनिश हुआ है, तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी है सबके बीच में, और स्टोरी लाइन हमारी बहुत अच्छी है मूवी की, अब बाकी जैसे आप देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें उसमें दिख जाएंगी। फिल्म में आपके कैरेक्टर मिसिंग नजर आएंगे या फिर स्टिल एंड विल सरवाइव? वो तो अब दिस इज़ द पार्ट ऑफ द स्टोरी ना, ये मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ, बिकॉज इट्स एन इन्वेस्टिगेटिंग थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री है थोड़ा, तो वो जब आप देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कौन कैरेक्टर कहाँ तक जाता है, बट ये है कि एवरी कैरेक्टर इज़ लाइक प्रोमिनेंट इन दिस मूवी, सब कैरेक्टर का एक अपना बेस है बिल्कुल, जिससे कि पूरी स्टोरी अनफोल्ड होती है हमारी आगे। फिल्म की अगर USP की बात करिए तो फिल्म की USP कैसा? मेरे हिसाब से तो फिल्म की USP हमारी स्टोरी है, बहुत ही थ्रिल करने वाली है, ग्रिपिंग है, और यंगस्टर्स को लेकर अभी तक मैंने तो देखा नहीं कि भाई ऐसी कोई मूवी आई है हमारी। ऑल एंड ऑल म्यूज़िक हमारा बहुत अच्छा होने वाला है, और
स्टोरी लाइन हमारी बहुत अच्छी है. जैसे मैंने आपको बताया कि अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज बीन पुट टू कम ओवर हियर. अभी तक ये इतना ईजी नहीं हुआ ये सब कुछ. बहुत ही इससे पहले बहुत मेहनत करनी पड़ी अपने ऊपर और एक्टिंग को लेके बहुत मेहनत करनी पड़ी. तो ये जो ब्रेक मिला है ये इतना इजीली नहीं मिला है. बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा है यहाँ पहुँचने तक. और दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. और लाइक पूरी मेन स्ट्रीम सिनेमा में काम करना ये हमेशा से मेरा सपना था जो कि अभी पूरा हो गया. लेकिन अभी स्टार्ट हुआ है एक अलग दिशा में जाने के लिए. सो जब भी मैं प्लेस करता था पहले लाइक प्लेस से पहले आई वॉज इन टू ग्लैडरेक्स 2011 एंड 12. आई वॉज अ फाइनलिस्ट ऑफ ग्लैडरेक्स एंड देन आई डिड अ लॉट ऑफ फैशन शोज एज वेल, लॉट ऑफ मॉडलिंग. तो उसमें भी करते करते मेरे दिमाग में हमेशा यही रहता था कि आई वांट टू बी एन एक्टर. तो मैं साइड बाय साइड दिल्ली में भी और मुंबई में भी मैं हमेशा प्लेस करता रहता था. ऑब्वियसली बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि कोई मुंबई में कोई भी रिलेटिव या कोई बैकग्राउंड फैमिली से कुछ है नहीं. मैं अकेला ही हूँ जो इस स्ट्रीम में आया है. एंड लिटिल बिट माय ब्रदर जो है वो उनको थोड़ा फिल्म मेकिंग से और उस चीज़ से लगाव था. तो मैं उनसे छोटा हूँ थोड़ा. तो हम दोनों हमेशा डिस्कस करते रहते थे कि भाई आफ्टर माई स्टडीज एंड ऑल एक्चुअली मैं बीटेक हूँ, आई एम एन इंजीनियर. तो आफ्टर माई इंजीनियरिंग मैंने जॉब भी किया है. उसके बाद मुझे मुंबई आने को मिला क्योंकि क्या होता है कि हमारी फैमिली में कि भाई पहले आपको अपनी स्टडीज़ पूरी करनी पड़ेंगी तभी आपको कुछ कहीं बाहर अगर आप कुछ करना चाहते हो उसमें जाने दिया जाएगा. देन आफ्टर दैट आई मूव टू मुंबई और यहाँ पर बहुत मेहनत करी, कई ग्रुप्स के साथ एसोसिएट हुआ थिएटर के लिए. देन आई गॉट दिस चांस. वन ऑफ द सर असिस्टेंट डायरेक्टर सॉ माई प्रोफाइल ऑन फेसबुक तो उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर एंड बैक टू बैक ऑडिशंस हुए 4-5 times. Then I backed this role. Don't you think काफी recently आपने decide किया और Bollywood काफी बड़ी industry है और आप Bollywood family से belong भी नहीं करते उतना? नहीं, मेरे दिमाग में हमेशा से ऐसा था कि मैं किसी भी चीज़ में जाऊँगा, मैं अगर मेहनत करूँगा उसमें तो मैं वो कर लूँगा. अगर मैं इंजीनियर था तो अगर मैं कोई बिजनेस भी करता, मैं मतलब शुरू से अपना माइंड सेट एक बिजनेस की तरफ रखता और मैं इंजीनियरिंग कर लेता तो डर कभी नहीं था मेरे दिमाग में कि यहाँ नहीं हो पाएगा. मुझे पता था इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड आई कैन डू इट. अगर मैं अपने ऊपर मेहनत करता हूँ, हार्डवर्क करता हूँ तो आई कैन ईजीली डू इट. वो चाहे कुछ भी चीज़ हो मेरे हिसाब से ही है. अगर अब मुझे मेरे घर वाले बोलते हैं भाई तेरे को पायलट बनना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ. मुझे पता है वो कैसे करना है. बस उसमें हार्डवर्क चाहिए होता है और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता. डेडिकेशन चाहिए होती है आपकी और आप प्रॉपर एक प्रॉपर मतलब एक फोकस हो के आप मेहनत करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं. ये कभी किसी को सोचना ही नहीं चाहिए कि अभी आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो उसके बाद आपको मुंबई जाना और एक्टर बनना है. उससे पहले आपने काम नहीं किया हुआ या आप थिएटर से या किसी एक्टिंग बैकग्राउंड से एसोसिएट नहीं हो तो आप वहाँ जाके नहीं कर सकते. ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर आपने ठान लिया कि आपने वो करना है तो यू कैन ईजीली डू इट. अभी इसी के रिलीज़ पर ही हमारा फोकस है. हमारे प्रमोशन चल रहे हैं बैक टू बैक एंड इसके बाद एक प्रोजेक्ट और अभी इट्स इन लाइक प्री प्रोडक्शन स्टेट. सो लेटर आई विल रिवील इट टू यू गाइस. थैंक यू सर. थैंक यू.